हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। पिछली बार हमने फायर रेड वर्जन खेली थी पूरी, आपको पता ही, आपने देखा ही था हमारी वीडियो में आपने। लेकिन आज हम खेलेंगे आपके लिए एक न्यू गेम, एमरल्ड वर्जन। चलो गेम्स को स्टार्ट करते हैं, एमरल्ड वर्जन देखते हैं कैसी गेम है ये भी। आज हम इसको भी पूरी करेंगे, आज तो नहीं करेंगे मतलब कि हम इसे भी खेला करेंगे अब से। ओके ओ अच्छा, इसमें नाम लिखना है, मैं तो अपना ही नाम लिखूंगा भाई। आप मेरा नाम देख सकते हैं, इसमें मेरा नाम है गर्व। चलो भाई अब देखते हैं हम क्या करना है गेम में। ये कहाँ है? अच्छा भाई ये रास्ता, ये आई इसकी मोम। यहाँ पर दो होते हैं ना, आपको याद ही था एमरल्ड वर्जन में मैं और एक और, तो हमने बना, हमें करना है यहाँ पे क्लॉक को स्टार्ट। हो गया है ये, अब यहाँ से हमें निकलेंगे, जल्दी जल्दी से बात करेंगे। ओके ओके यस, नेक्स्ट डोर, यानी कि हमें जाना अभी। हाँ जल्दी जल्दी बात करो, अब स्ट्रेस पर चढ़ जाओ। ठीक है ठीक है, ये पॉकी बॉल किसी की, ये मैं आ गई है और मैं कह रही है ये हमारी पॉकी बॉल है, तुम्हारी नहीं है। इससे बात करिए, हमने कुछ नहीं खाएगी। फायरेड वर्जन में वो होती है लड़की खड़ी है, हमें जाना होता है यहाँ पे। एमरल्ड वर्जन खड़ा है एक लड़की है, अभी भी एक लड़की खड़ी है। और अब हमें इसने कहा है कि कोई, हमें यहाँ पे तीन पोकेबॉल चुनने हैं। देखते हैं, ये है टॉचिक, ट्रिको एंड मटकेप। मटकेप स्वैम पार्ट या फिर ब्लेसिकेन सोलो या फिर ट्रिको, क्या ले यार। यार टॉचिक सही रहेगा, फायर पोकेमोन अच्छा लगता है मुझे तो ज़्यादा। मैंने पिछली गेम में भी चार यार लिया था, देखा ही था चार्मेंडर, तो हम टॉर्चिक ले भाई। और इस पे सामने अच्छा जंगूस लड़े थे ना, हाँ। और यस हमने बचा लिया है, हम जाने दोबारा वापस। यह ओके, इसका नाम रखेंगे हम फायर। फायर फाइटर। फायर फाइट। यह है फायर फाइट, हमारा फायर फाइट हो चुका है रेडी गेम में। अब हमें जल्दी से जाना है। पूछिए ना, पर हमारे पे वो नहीं है तो हम, चलो भाई। और इसकी जैसे आपने पिछली गेम में देख लिया था फायर रेड पर्सन की, हमने रेड कैंडे चीट सारी चीट डाली थी। हम आपको एमरल्ड की भी दिखाएगा, लेकिन जब ये पूरी गेम खत्म हो जाएगी तब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई चीटिंग हो गेम में। मैं गेम में चीटिंग अच्छी नहीं लगती यार, उसके भी नहीं खेलो, मज़ा हो उसमें है। और आज हम देख, ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे रूट 101 टाउन। ये देखो यहाँ का हीलिंग टाउन, यहाँ पे चलो भाई आगे। क्या करना होता है यार, याद आ गया मुझे, पता है गेम में क्या करना है। अगर ये जल्दी से लेवल अप हो जाए तो फ़ायदा हो जाएगा गेम में, क्योंकि आगे मटकी पाएगा मेरे ख्याल से, तो यही था शायद मेरे पे तो मटकी भी थी। फोकस एनर्जी अटैक आया जो मुझे नहीं चाहिए। ये चिंता मत करो, ये मेरे का पोकेमोन नहीं है यार, ये परवाटेड पोकेमोन है। दिक्कत ही दिक्कत कराएगा। और ये इस पे है मटकी 5 लेवल्स का, और अगर हम इससे नहीं जीते तो दिक्कत हो जाएगी ब्रो। हो गई दिक्कत यार, ये मेरे को तो अभी मुझे पता था वाटर टाइप पोकेमोन है ना, वो टाइम वेस्ट करवाएगा हमारा। भाई चीटिंग किए बिना खेलो यार गेम, उसमें मजा है। पता है आप मेहनत से खेलोगे तो फायदा भी हो जाएगा,
भाई मुझे लग रहा है मुझे अपने लेवल अप करने पड़ेगी ज़्यादा। एक तो इस पर अटैक चाहिए मुझे एम्बर जो शायद 10 या 9 लेवल पे आता है इसको। ओ भाई भागो, मैं क्या गई है, हमें जाना है वापस होम में आना है उसने अपने। वो यहाँ तो नहीं कह रही थी आने के लिए, और यस यहीं आना था हमें। ये हमें मिल गए पॉकी टैक्स पॉकी बॉल्स, और ये मैं निकलेगी अब। अरे नहीं गई, हम जाएगी चलो। ये हमें मिले हैं शूज, रनिंग शूज मिल गए हैं। ये देखना मैं अभी ये दबाऊंगा तो कितनी देर, वैसे कितनी देर है ना, और लेकिन जैसे भी ये दबाऊंगा इतनी देर हो जाएगी स्पीड। जल्दी जैसे मारते फिर दिखाते हैं आपको। अब देखिए बी दबाने से, और यही अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ तो दिखा दूँ आपको तो कितनी और तेज हो जाएगा, आप खुद हैरान हो जाएगी देख के भी। ये देखो एक ही मिनट में दूसरी दुनिया पहुँचा देगा ये तो हमें। यार थोड़ी सी पॉकी बॉल्स खरीद लेते हैं क्योंकि आगे काम आएगी। ये क्या है लॉर्ड एंड, मुझे नहीं चाहिए भाई, तगड़े तगड़े पोकेमोन लूंगा मैं, सबसे लड़ूंगा, लेवल अप करना है मैंने भाई पिछले लिए, जो लड़ेगा उनसे तो लड़ूंगा। पूछिया ना यार, मुझे पूछिया ना चाहिए, लेकिन ये वाला नहीं चाहिए मुझे, साइड साइनिंग पूछिया ना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है ना, उसके अटैक डिफेंस सब कुछ ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए पूछिया ना सिंपल। लेकिन मुझे लग नहीं रहा इतने अच्छे पोकेमोन आ पाएगा यहाँ पे, अभी तक तो एक भी नंग का नहीं आया। और यार इसने एम्बर सीख चुका है, काम आएगा एम्बर भी हमें। जंगूस तो मुझे नहीं चाहिए यार, टेलो मैं लूंगा लूंगा जो मर्जी हो जाए, तो मैं फ्लाइट पर बस टेलो मिल जाए तो काम बन जाएगा गेम में। शायद यहाँ नहीं मिलता, मुझे याद आ गया है। और ये है यहाँ पे पीछा बैरी ले लेते हैं ऐसे भी हम, और ये है ऑरेंज बैरी। पता मुझे ना एमरल्ड इतनी बढ़िया नहीं लगती, सही बताऊँ तो अच्छी लगती है लेकिन मन नहीं करता सब ना, लेकिन क्या करें यार, यूट्यूब पे मेरे को और कुछ मिला नहीं गेम अभी, सोच रहे हैं इसके बाद देखते क्या डालेंगे, अभी तो हम ये डाल रहे हैं। ये है जिम, ये थे पापा, ये हमें ट्रेनिंग सिखा रहे हैं भाई। एक रोल्स तो मैं लूंगा लूंगा सेकंड टाइप पोकेमोन है, और भाई याद रखना रोल्स में थोड़ा वैसा पोकेमोन है, कभी कभी ना गेम बहुत लैग करता था उसको हटा भी देता था, एक बार मेरी गेम लैग हुई थी मैंने हटा दिया था। मैं रोल्स पकड़ने आया हूँ, उसके पापा तो कह रहे हैं यहीं मिलेगा, वैसे पक्का नहीं है कहीं भी मिल सकता है यार। और ये टेलो मिल चुका है हमें एक, भाई मैं बता पॉकी वाला को देखा ही था, और यस टेलो पकड़ लिया इतनी इजी। उनसे जल्दी जल्दी अपने लेवल अप करवाते हैं, टेलो को भी करना है तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे करते हैं, पहले आप एक पोकेमोन चुनिए फिर एकदम से दूसरा पोकेमोन निकाल लीजिए उनके पहले ही, तो हम दोनों को एक्सपी मिलेगा देखना। अभी ये मिला फायर फाइटर को, ये मिला टेलो को, इसकी मदद से मेरा टेलो भी लेवल अप होता जाएगा, इसलिए मैं अब टेलो को रखूँगा सबसे आगे, मैं दोबारा उसको हटाऊँगा ना।
मैं जी खा सकती मेरा ये लड़ लेगा भाई, अब हमला ही नहीं आता उसको। वो बस एक ये अटैक कर सकती है जो मुझे कोई मतलब नहीं उससे। यहाँ से हमें उस एक अंकल जी का वो बचाना होगा। ये फिर से मिल गई हमें बैरीज, ऑरेंज बैरीज, और ये हमारी पीछा 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 बैरीज। कोई तगड़ा पोकेमोन मिल जाए यार, ये रंपल वंपल के मिल रहा है, विंगुल नहीं चाहिए यार। मुझे पूछियाना फूचियाना नहीं चाहिए भाई, ये मैरी ले लूँ, ले लेते यार। भाई एक ना वाटर टाइप पोकेमोन होना चाहिए यार, जैसे कि आपने देखा हमारा वो मर चुका है, पर कोई बात नहीं, अब जल्दी से हम हीलिंग करके आते हैं। भाई एक हो गया फ्लाइंग टाइप, एक फायर टाइप, एक वाटर टाइप, मतलब कि टीम में आ तो गए तगड़े तगड़े थोड़े बहुत। पहले हम करेंगे ऐसी, पहले हम क्या करते हैं टेलो के लेवल अप कर लेते हैं थोड़े थोड़े, देन लेवल तक टेलो को पहुंचा देते हैं, उसके बाद मैरल के भी यूं ही करके लड़ाई कर करके उसको भी 10 लेवल तक पहुंचाते हैं। अब देखो इसका हमला पावरफुल लगता जा रहा है, 7 लेवल आ चुका है यार वो भी। यहाँ क्या मिल जाएगा, सुमिस नहीं चाहिए भाई मुझे सुमिस। अरे ग्रास टाइप तगड़ा पोकेमोन मिल जाए तो मजा आ जाए ना। ठीक है, ओहो एक पोकेबॉल मिली हमें फ्री। यहाँ से वापस ये तो था कास्कोन, कास्कोन पोकेमोन मिला जो मुझे नहीं चाहिए अभी भाई। 9 लेवल यस, अगर मैं चाहता हूँ मैं यहीं अपना 10 लेवल कर दूँगा आज। अगर 10 लेवल हो गए तो एक काम हो जाएगा ना, मैं उसको जल्दी जल्दी अपने मैरल को लंबा करूँगा, जल्दी जल्दी मैरल के लेवल अप्स करूँगा, जिससे कि यार सारे बढ़ते रहे ना मेरे। आगे जाके रॉक टाइप पोकेमोन जिम आएगी कोई तो वहाँ काम आएगा मेरे को मैरल। ओ भाई अक्वा, टीम अक्वा आ गई है सामने, कोई बात नहीं इसको भी हराएगी, हमारे पूछिया ना को हरा के रहेगी। और यार टेलो लेवल 10, अब पता नहीं कौन सी आएगी। और ग्रेट बॉल मिल गई है भाई, मजा आ गया सही में, अब मजा आ गया। मतलब मानो के नहीं यार, मुझे ना एक दिमाग में बात आ गई है, अब ऐसे इनका भी दोनों को होगा ना, टेलो और मैरली को आप दोनों को एक साथ बड़ा करेंगे फिर, और कोशिश करेंगे लड़ाने में। अगर हम वैसे करेंगे तो कब जल्दी लंबे नहीं होएंगे भाई। ग्रास टाइप पोकेमोन ने निकाला और मैं यूज कर रहा हूँ उसके सामने एक वाटर टाइप पोकेमोन, तो डिफरेंस उसको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। निकाड़ा को तो भाई मेरे यही हरा देगा टेलो। मेरा मैरिल 6 लेवल टच हो चुकी है, मजा आ गया, ओए मजा आ गया। एक इधर मिला वो भाई साहब, बहुत ही लाखों तो नहीं चाहिए। ऑरेंज बेरी लेते हैं, एक दो है मतलब, ये चेरी बेरीज इसका
नाम मैं भूल चुका हूँ यार, भूल गया था मतलब। यहाँ टेलो मिलेगा भाई, सब 5 लेवल का टेलो मिल रहा है, अच्छी टाइम चल रही है यहाँ पर भाई। मैं चाहता हूँ मेरा ये ना जो मेरिल है वो और टाइप अटैक सीख जाए, एक बहुत आगे जाके मदद मिलेगी मुझे। कैसे आप लोग भाई, कैसे हो आजकल आप लोग? काम बढ़िया चल रहा है सबका? पार्टी टाइम। अरे ये क्या कर रहा मैं? मैंने करना क्या था, कर मैं कह रहा हूँ बताओ यार, मजाक चल रहा है यहाँ कोई? हम क्या मंजी के घंटे हैं जो हमें कोई भी जाके चलना जानते? ओ भाई मेरा आस हो गया, मुझे आया 2 मिनट गाइस यार, हाथ सो चुका है मेरा भी। और बस 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 हाथ एकदम सुन पड़ गया था यार भाई, कट अटैक कभी नहीं चाहिए। ओ यहाँ डबल टैग टीम मैच है इसको, ये नहीं ये सेम नीचे जो लोग रह गए उनसे लड़ लेते हैं यार। मैं इससे स्लैंड लड़ा क्योंकि मैं, ओ ये कौन इस पे ये है, कोई बात नहीं हरा देंगे इसे बहुत जल्दी। वाह एक और अभी लेवल अप हो के आई है इस बार। मेरी लेवल 6 एक मैजिक कम मिल जाती ना मजा आता है, लेकिन यार एक दिक्कत है ना मतलब गैरीडोस नहीं बनेगी तब तक दिक्कत आएगी, गैरीडोस बनने में तो बहुत टाइम लगना है। लीपा मारी ये है पहली जिम, रॉक टाइप जिम। भाई मैं अभी निकल रहा हूँ, पूछो क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं, यहाँ पे रॉक टाइप जिम है ये, और रॉक टाइप जिम को एक ही टीम हरा सकती है, मैरिल। मेरी लव है उस पर वाटर भी अटैक ही नहीं आया अभी तक, गेम में दिक्कत आएगी ना। एक सुपर पोजन आज की वीडियो खत्म करने वाले हैं, जब करेंगे जब हम यहाँ की जिम हरा देंगे तो आज का पहला पार्ट खत्म कर देंगे। बर्न इट डाउन। मैंने कल ही बोला था लेकिन कल बना नहीं पाया, क्यों बना नहीं पाया इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि आपको पता ही होगा आपने रेसल मीनिया देखते ही होगे आप लोग, 2 दिन से रेसल मीनिया चल रही थी और अब खत्म हो, आज जब ख़त्म हुई तो मैंने सोचा चल यार खाना वाना खाते हैं, काम वाम करते पूरा अपना, और वीडियो बनाना स्टार्ट हो जाते हैं रेसलमेनिया की, तो मतलब रेसलमेनिया ख़त्म तो वीडियो बनाना स्टार्ट भी हो जाओ। सही नहीं कहा यार, अपना काम बनता बाण मजा जनता कुछ आता, ओ नो ओ नो। ओह आप रहा यहाँ मिल रहा है यार, बट जी यार ओह
यहाँ पर मिल गया तो मजा आ जाएगा, एक साइकिक टाइप भी पोकेमोन हो जाएगा गेम में। ये हमारी थोड़ी थोड़ी वैसी टीम होती जा रही है, फायर फ्लाइंग इसमें मुझे इतना चाहिए। जब मैंने पहली बार एमएल खेली थी ना तो मुझे बड़ी वैसी गेम लग, बहुत हार्ड गेम लगी थी, लेकिन अब इतनी हार्ड नहीं लगती। आबरा आ गया भाई, आबरा को तो मैं ट्रेडिंग के लिए छोड़ने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, आगे एक जगह है ट्रेडिंग के लिए छोड़ देगी उसे, क्योंकि भाई हमसे ना होगा, क्योंकि हमें दूसरों को भी बड़ा होता होगा, टेलो को तो बड़ा कर लेते हैं, इसको भी लेवल 12 पे ला देते हैं आज हम। आज कोई अटैक आ जाता यार, काम बन जाता। ओ यहाँ दो लड़ेंगे रॉक टाइप। नो सिट मैन यार, वाटर टाइप कब आएगा हम पे हमले। अब आओ जरा, अब आएगा ना मजा बिड़ू। ले खाक मजा आएगा। क्या मजाक चल रहा है यहाँ कोई? जब हमें चाहिए होता वो तो आता नहीं, जब चाहिए होता नहीं वो नहीं आता। भाई अब नहीं बचोगे तुम मुझसे, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें बला, तुम्हारा बनाऊंगा मैं बला। सिट मैन सिट। रास्ता बंद है भाई यार ना, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने गेम लीड कर दी। जब पहली बार जिंदगी में खेली थी ना एमरल्ड, तो ना मैं इसके आगे निकल ही नहीं पा रहा भाई, मेरा दिमाग फट गया, मेरे अंदर की माता जाग गई, मैं तो चढ़ी चमड़ी ऐसी तैसी मारा लाल जाके भाई। मैंने कहा गेम खत्म, मैंने कहा बाय बाय टाटा सी यू, चलो भाई। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं करूँगा ना, उसका अटैक तगड़े है। चल भाई यहाँ की आज हम टीम भी जीतने, पहला राउंड खत्म करने ही वाले हैं बस। अच्छा हम इस बकवास आदमी से लड़ चुके हैं, और ये दोनों डबल टैग टीम मैच, जो चाहिए था वही हो रहा है। और नो गाइस, अब मैं जीतना ही भूल गया था, अब आउट हो गया। अब मजा आएगा ना बड़ू, ये बड़ो वॉच अ गन एम्बर। अब बस इनको जल्दी जल्दी जलाते हैं, गरम करते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं। मुझे पता था सॉरी इनके पास यही मेरी मैरल सबसे लड़ सकती है, अकेली लड़ जाएगी। पर ये तो यार क्या करें, ये तो इन्होंने दो दो भाई, पहले बंद करो फिर गरम ठंडा करो, वो ग्रास टाइप पोकेमोन को बुलाओ और इनको तोड़ो। ये मैंने सीखा था किसी से, और इनकी पहली जिम लीडर आ चुकी है। मुझे पता था कि ये मुझसे ज़्यादा तगड़ी निकलेगी, मैं रेडी हूँ इस बार, अब मैं जीतूंगा भाई। नो मेरे को बहुत बकवास पोकेमोन में से एक लगता है नो स्पोस, मैं इसका फोस कर दूंगा अगर इसने मेरे पंगे लिए तो आज भाई मैं। चलो भाई मेरे को ना बड़ा ड्रामा पोकेमोन में से
डरावना नहीं होता, बहुत गंदा वो मुझे लगता है, गंदा मेरे को बड़ा गंदा लगता है, तो कभी यूज़ नहीं करूँगा ये। चीटिंग करते है तू, पहले मुझे लगा तूने पिस्ता चुना है तो मैंने वो फेंक दिया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग करता है तू। भाई यहाँ से भाग, भाई मेरा सर में दर्द हो रहा है। नाम मिल गया और हमें यहाँ मिल चुका है कट द अटैक, कट अटैक मिल चुका है, मजा आ गया। अब आएगा ना मजा बड़ू, ये रहा भाई, रुक जाएगा थम जा थम जा, बाद में सिखा लेंगे। भाई चीटिंग करती है तो यार, मुझसे जल्दी जल्दी इसने टोकोल पकड़ लिया, टोकोल को हराएगा हमारा फाइट वाटर ट्रैक पोकेमोन मैरिल रोल आउट। यस यस डिफरेंट स्कूल बकवास है, मैं तो भूल ही गया था, मैं तो भूल ही गया था, मजाक कर रहे हैं। चलो गाइस इसी के साथ हमारा पहला पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो चले गई बेफालतू में, मतलब ज़्यादा हमने करा है कुछ, यहाँ हमने पहली राउंड जीत चुके हैं। अब इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो, यहाँ लाइक कर देना यार वीडियो को, पसंद आए तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। एमरेड बनाना स्टार्ट कर दिया, एमरेड के सारे पार्ट बनाऊंगा, चिंता मत कीजिए। बाय बाय टाटा, सी यू समर कैंप्स।